हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स। सो राइट नाउ मैं कॉलेज जा रहा था, तो मैंने सोचा एक अनाउंसमेंट कर दूं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि आपके पास ऑफ़र लेटर तो आ गई होगी। वो ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखा होगा एस्टिमेटेड फ़ीस। एस्टिमेटेड फ़ीस का मतलब ये है कि आपकी फ़ीस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मैनी केसेस में तो वो बढ़ी है। जैसे मैं अभी आया था तो मेरी जो फ़ीस है वो $1500 बढ़ गई, आई थिंक $1396। तो अगर आप आए हो और आपको ऐसा पता लग रहा है तो आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए। ठीक है, तो घर से पहले बोल दीजिए कि बढ़ सकती है फ़ीस। अभी कंफर्म नहीं है बट बढ़ सकती है, एस्टिमेटेड का यही होता है मतलब। तो मेरी तो यही सजेशन रहेगी, जो लोन लेके आ रहे हैं वो थोड़ा अपना बैकअप प्लान भी बना के रखें, क्योंकि बाई चांस बजट सारा गड़बड़ाया जाता है उसकी वजह से। क्योंकि आप एक तो लोन लेके आ रहे हो, ठीक है, ऊपर से फ़ीस बढ़ गई है, GIC आपको $2000 मिलेगी और उसमें सारा काम करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, तो मैं बस में बैठ के बताता हूँ आपको। तो गाइस मैं बस में बैठ गया हूँ, तो मैं आपको बता ही रहा था कि अगर आप आ रहे हो, सिर्फ फोकस रखना कि आप अपनी फ़ीस थोड़ा बैकअप करके रखना। बाई चांस अगर फ़ीस बढ़ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे होगी थी। तो अगर आपने इंडिया से पैसे मंगवाने हैं, आप फोरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हो। आप वीडियो में देख लेना, ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो और इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, एडिटिंग वगैरह अच्छे से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस तो हज़ारों मिल जाएंगी जिसमें नॉर्मली बोलते भी हैं। मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ कि साथ में टेक्स्ट वुक्स्ट भी आए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, बढ़िया चल रही है, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।